तो है दोस्तों, इतने टाइम से ना कोई मैं रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, ना कोई मैं कमेंट्री वीडियोस बना रहा हूँ। लाइक गेमिंग के अंदर तो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, बट वो भी 10 दिन में एक आधी वीडियो डालता हूँ। तो यार उसके पीछे बहुत सारी वजह है, और वो सारी वजह मैं यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं बता सकता। समझा करो यार, हर बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कुछ बातें इंस्टाग्राम के लिए भी छोड़ी जाती है, ताकि इसी बहाने इंस्टाग्राम में कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए। और हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि इतना लेट वीडियोस डालने की वजह से जो पब्लिक पहले मेरी वीडियोस देखने के लिए आती थी, अब वो भी हल्के हल्के रीच कम होते जा रही है। तो यार नाउ अडेज, जो पहले यूनिक आईडी था, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी वीडियोस डालने की। अगर रोजाना वीडियोस डालूं यार, कम से कम हफ्ते में 2-3 वीडियोस डाली, तो अब वो बात नहीं रही, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जो सिला नहीं मिला, मैंने अपनी एक जॉब वगैरह का इंतजाम कर लिया है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। तो मैंने एज अ प्रोफेशन ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना एक लाइफ का हिस्सा बना लिया, और यूट्यूब को अब मैं प्रोफेशन नहीं, अब अपना पेशन ही तौर पर कर रहा हूँ। सो जो डिप्रेशन था ना वीडियोस डालने का, वो मेरे सर से उतर गया। अब मैं हो सकता है 10 दिन में वीडियोस डालूं, या फिर रेगुलर वीडियोस डालने में स्टार्ट कर दूं जब मेरा दिल करे मैं वीडियोस डालूंगा। तो मुझे अब यूट्यूब की वो परवाह नहीं रही जो मुझे पहले परवाह हुआ करती थी। तो हाँ, यूट्यूब सॉरी। अगर आप में से कोई कराची का नहीं है, तो मैं उसको बता दूं कि आज बरोज पीर 12 तारीख 7वां महीना 2021 के दिन कराची में हुई है बारिश। और ये मैं बारिश इतने एक्साइटमेंट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कराची में हर मरतबा बारिश जो है ना, टोपी करा जाती है। लेकिन इस मरतबा भाई कोई टोपी नहीं करा, इस मरतबा तो बल्कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। और जिस तरह लगान फिल्म के अंदर जो आखिर में बारिश होती है, लोग इतना खुशी से पागल हो जाते हैं, इसी तरह हमारे कराची में जब बारिश होती है, लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन इस मरतबा की बारिश के अंदर जो मेरे साथ सीन हुए ना, वो तो आप लोगों के लिए काफी फनी होगा, लेकिन मेरे लिए ये दिन काफी वर्स्ट डे था। हाँ, एक तौर पर मैं इसे फनी भी कह सकता हूँ कि यार मुझे मालूम है कि अगर मैंने इन फ्यूचर ये वाली वीडियो देखी ना, तो मुझे इतना तो आइडिया है कि मैं कहूंगा कि यार वर्स्ट डे तो था, लेकिन एक तरीके से फनी दिन भी गुजरा था ये मेरा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी स्टोरी टाइम वीडियो, और बताते हैं आपको इस बारिश में मेरे साथ क्या सीन हुआ है। चलो चलो चलो। हाँ तो यार, कहानी स्टार्ट होती है जहां पर मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि बारिश का और मेरे काम का आपस में क्या लेना देना है। तो यार लेना देना है, मैं आपको बताता हूँ। रुको जरा। अब YouTube पर इतने टाइम से काम करने की वजह से मेरी आदत बन गई थी कि मैं रात को देर तक जाकर वीडियोस बनाया करता था, और अगर मैं वीडियोस नहीं बनाता तो भी मैं रात को जागता था और गेमिंग वगैरह करके तकरीबन 3:30-4 बजे जाते थे मुझे सोते सोते। और इतने टाइम तक ये रूटीन चलती रही, तो मेरी आदत बन गई लेट नाइट जागने की, और अब काम की सेटिंग बन गई, सुबह मुझे काम पर भी जाना होता था। और जहाँ पर मैं भी काम पर जा रहा हूँ ना, वो तकरीबन 26-27 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मुझे तकरीबन बाइक के ऊपर 40 मिनट तक लगभग लग जाते हैं पहुँचने में। मुझे मालूम है आपके जहन में कंफ्यूजन है कि यार इसका क्या लेना देना है, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट पॉइंट पर लाता हूँ कि इस मरतबा बारिश में मेरे साथ क्या सीन हुआ है। तो वो जो लेट जाने की आदत बन गई थी मेरी, उसकी वजह से मैं रोजाना ऑफिस में लेट होता था, तकरीबन रोजाना आधा पौना घंटा लेट होता था। और जब से मैं काम पर लगा हूँ, जब से मैं तकरीबन 2 या 3 मरतबा टाइम पर पहुंचाऊंगा, वरना तकरीबन रोजाना मैं आधा पौना घंटा लेट ही हो रहा था। और सेठ जो ऑफिस के बॉस है, वो इस बात को नोट कर रहे थे, और एक मरतबा इन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। और वही है मेरा ऑफिस है, और मेरे ऑफिस में तुमको टाइम पर आना होगा, बस यही सब। ओके, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन। भाई। और यही बस जब सैलरी का टाइम आया, तो इन्होंने इस बात पे मेरी सॉरी सैलरी काट ली, गया तुम तो रोजाना लेट आते हो, तो ऐसे मैंने तुम्हारी कुछ सैलरी काट ली है। ओके, तो मैंने भी वो बात एक्सेप्ट कर ली कि यार मैं लेट आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सैलरी तो कटेगी। इस वजह से मैंने बोला यार चलो सैलरी कट गई, खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे मेरे ऑफिस वर्कर ने, जो सेठ के साथ होता, उसने बताया कि सेठ ने बोला था कि यार अगर ये दोबारा टाइम पर आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी जो मैंने सैलरी काटी उसको मैं दोबारा रिटर्न कर दूंगा। लेकिन सैलरी इस वजह से काटी कि ताकि अब ये अपना रूटीन पर आ जाए टाइम पर। अब यहाँ तक बात क्लियर है, अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या सीन हुआ है। तो जिस दिन बारिश हुई थी, वही 12 तारीख 7वां महीना 2021 के दिन में, वही एज यूजुअल अपने लेट उठा, और जब मैंने देखा टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी नहाया और ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन उस वक्त जब मैंने देखा ना, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैंने बोला चलो यार मेरे पास एक बहाना है कि यार मैं बारिश की वजह से लेट हो गया हूँ, तो शेड भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसे मैं बाइक स्टार्ट करने लगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बाइक का जो अगला टायर है वो है पंचर। तो मैं फिर बारिश में ऐसे ही बाइक को ले जाने लगा, और पंचर वाले के पास जब मैं पहुंचा, तो मैं क्या देखता हूँ कि 3 बंदे वैसे ही अपनी बाइक का टायर पंचर बनाने के लिए खड़े हुए हैं। तो पंचर वाले ने उन तीनों की बाइक बनाई, फिर मेरी बाइक बनाई। तो जब तक हल्की हल्की बारिश थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन मेरे माइंड में तो वही था कि बारिश हो रही है तो मैं बहाना मार दूंगा, कोई मसला नहीं है, चले जाता हूँ ऑफिस। और फिर मैंने तकरीबन सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव की होगी, और फिर अचानक धनादन हमारे सर पर जोर से वार हुआ, जमीन फटने लगी, आसमान टूट पड़ा और हमारी आंखों के आगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बारिश अपने उस मकाम तक पहुंच गई थी कि मुझे आइडिया हो गया था कि आगे जो खड्डे है ना, वो फुल पानी से भरे हुए होंगे, और मैं भी फुल भीग चुका था पानी से। और जो कि मैं वैसे ही नहा के निकला था, तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, और मैं बिल्कुल कांपते हुए बाइक चला रहा था। तो उस वक्त मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं दोबारा अपने घर रिटर्न चले जाऊं, लेकिन मेरे जहन में उस वक्त ये बात आ गई कि यार सेठ ने बोला था कि अगर अपनी टाइम
रूटीन सही कर लेता तो मैं इसको रिटर्न पैसे कर दूंगा दोबारा जो सैलरी काटी थी। तो ये बात जैसे मेरे जहन में आई तो मैंने उसी वक्त सोचा कि यार अब तो ऑफिस पक्का जाना है ताकि यार जो कटी हुई सैलरी वो मुझे मिल जाए और उनकी नजरों में मेरी अहमियत बन जाएगी यार इतनी बारिश में भी लड़का फिर भी ऑफिस आया हुआ है। तो इसी सोच के साथ मैंने बाइक चलाना कंटिन्यू रखी और रिटर्न घर नहीं गया। लेकिन फिर अचानक धनादन हमारे सर पर जोर से, तो बस फिर होना क्या था, आगे रस्ते के अंदर जितने भी घड़े थे वो सारे पानी से भर चुके थे। रास्ता इस तरह का था कि मैं कहीं से बाइक निकाल के भी नहीं जा सकता था, मुझे उन घड़ों के अंदर ही अपनी बाइक को निकाल के आगे जाना था। तो मेरे पास तो कोई चारा था नहीं और वैसे भी हम रहे गेमर, मैंने इसको एक मिशन का ऑब्जेक्टिव समझते हुए इसको मैंने बोला कि अब तो ये कंप्लीट करना ही है। और मैंने किसी तरीके से भी कितने सारे घड़े थे वो मैं क्रॉस कर गया। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा घड़ा आया कि जिसके अंदर मेरी बाइक गई और मेरी आंखों से चश्मे निकल के उस घड़े में गिर गए। और वो कोई सनग्लासेस नहीं थे बल्कि मेरे वो नंबर के चश्मे थे। तो मैं किसी तरीके से भी अपनी बाइक को साइड पे ले गया क्योंकि पीछे से भी गाड़ियां आ रही थी। और मैंने साइड पे जब बाइक खड़ी करी तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस टायर को मैंने बनाया था वो टायर मेरा दोबारा से पंचर हो गया। उस सिचुएशन में किसी पंचर वाले को ढूंढना और इतना भीगा हुआ था मेरे अंदर, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं रिटर्न घर क्यों नहीं गया। लेकिन मेरा नसीब इतना ही बुरा नहीं था, मैं थोड़ा सा आगे गया, मुझे एक पंचर वाला मिल गया तो उसने मेरी बाइक बनाई। तो बाइक बनाते हुए उसने मुझसे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला अंकल मैं जॉब पर जा रहा हूँ। तो एज यूजुअल वो बड़े हैं तो उन्होंने मुझे सीख दी कि बेटा मेहनत करो, मेहनत में अजमत है, इसी तरह मेहनत करोगे उसका जरूर तुम्हें फल मिलेगा। तो ये सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बाइक बन गई। तो मैंने सोचा यार अब घर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं पक्का ऑफिस ही जाऊंगा। और अंकल की बातें सुनकर मैं बाइक पर बैठा और मैं फिर दोबारा ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अभी भी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत सीन हुए हैं। अच्छा, तो बस इसी जज्बे जोश के साथ मैं बाइक चला रहा था मगर स्लो स्लो क्योंकि जो चश्मे थे मेरे वो तो गिर गए थे और आधे से ज्यादा मैं रास्ता क्रॉस कर चुका था। तो रास्ते में जाते हुए मैं क्या देख रहा था कि कुछ बाइक वाले बेचारे अपनी चेन सही कर रहे हैं, कोई बेचारे बाइक वाले अपने ना गाड़ी का प्लग सही कर रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर प्लग शॉर्ट हो जाता है तो फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो पता नहीं क्या मेरे जहन में ये बात आई कि यार अच्छा हुआ यार मेरी बाइक अभी खराब नहीं हो रही, बिल्कुल सही चल रही है। और डैम, और सच में ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक थोड़ी देर के अंदर आगे जाके बंद हो गई। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा। और मैं किक मारते रहा, बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मतलब कि ऐसा रिस्पॉन्स है बाइक बिल्कुल मर चुकी है। तो इसी तरह मैं बाइक को पैदल पैदल लेके जा रहा था और मैंने सोचा कि यार शायद थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। मैंने दोबारा किक मारी तो दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। उस वक्त मैं गुस्से में भी था और यकीन करो मैं थोड़ा घबरा भी गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं बीच रोड पर इतनी बारिश में भीगा हुआ मैं क्या करूं। तो थोड़ा आगे जाते हुए मुझे एक ब्रिज नजर आया, वहां पे मैं बाइक को लेके खड़ा हो गया ताकि बारिश से बच सकूं। और वहां पे ऑलरेडी दो तीन बंदे भी अपनी बाइक को लेके खड़े हुए थे और अपनी बाइक बना रहे थे। तो कोई बंदा अपनी चेन सही कर रहा है, कोई बंदा अपनी गाड़ी का प्लग सही कर रहा है, मैं भी अपनी गाड़ी की कीके मार के स्टार्ट कर रहा हूं कि स्टार्ट हो जाए। और एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे। और मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में वहां पे खड़ा होऊंगा ब्रिज के नीचे। और बाइक पे मैंने कीक मारी और वो बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। और इस तरह बड़ी मुश्किल से मैं अपने फाइनली ऑफिस पहुंच गया। बधाई हो। और यकीन करो उस वक्त ऑफिस पहुंचने के बाद मैं अपने आप को इतना खुश और इतना रिलैक्स फील कर रहा था ना, मैंने बोला यार शुक्र है किसी तरीके से भी ऑफिस कम से कम पहुंच गया मैं। लेकिन अभी भी फिल्म खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी भी जो वर्स्ट डे बनाया ना मेरा वो थी ये वजह। अभी और सुनिए। और जैसे मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो मुझे वहाँ जाके पता लगता है कि मेरा ऑफिस बंद था। छुट्टी थी मेरे ऑफिस की, मतलब कि इतनी खुआरी काटी, इतना परेशान हुआ मैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऑफिस की छुट्टी है और मुझे दोबारा रिटर्न इसी बारिश में घर जाना है। तो वहां पर ऑफिस में एक बंदा होता है जो ऑफिस में ही रहता है, तो उससे मैंने बोला यार कम से कम बंदा फोन करके बता देता है, कुछ मैसेज दे देता है कि ऑफिस की छुट्टी है। तो उसने बोला कि भाई तुम्हें मैं मैसेज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुमने फोन भी नहीं उठाया। तो जब मैंने फोन देखा तो उसमें इतनी मिस कॉल है और मैसेजेस थे कि ऑफिस की छुट्टी है। और रास्ते में सिर्फ ऑफिस जाने के चक्करों में मैंने फोन निकाल के देखा ही नहीं कि मुझे मैसेज आए हुए थे कि यार ऑफिस बंद है, ऑफिस की छुट्टी है, तुम घर पर ही रहना। और फिर क्या होना था, बस बारिश के रुकने का इंतजार किया मैंने, बारिश रुकी फिर मैं दोबारा रिटर्न घर चले गया। एक स्टोरी जो मेरे साथ इतना बदतरीन दिन गुजरा था मेरा ये वाला बारिश का, तो मैंने सोचा था कि एक स्टोरी टाइम वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो होपफुल अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आप लोगों को मजा आया होगा। तो फिर यार वीडियो को लाइक कर देना अगर एंजॉय किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए।
So